नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus versus Vivo V30e का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 6.4 इंच जबकि V30e में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.94 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Note 14 Pro Plus में 0.34 इंच जबकि V30e में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 14 Pro Plus में 210.8 ग्राम जबकि V30e में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 6.67 इंचेस जबकि V30e में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 14 Pro Plus में 1220x2712px FHD+ और V30e में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 14 Pro Plus में 88.49% जबकि V30e में 90.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 14 Pro Plus में 446 पिक्सेल प्रति इंच जबकि V30e में 388 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 14 Pro Plus में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और V30e की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 14 Pro Plus में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और V30e की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 14 Pro Plus में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और V30e में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 14 Pro Plus में Adreno 740 जबकि V30e में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 14 Pro Plus में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और V30e में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 14 Pro Plus में 12GB जबकि V30e में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Note 14 Pro Plus में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि V30e में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 14 Pro Plus में नहीं है जबकि V30e में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Note 14 Pro Plus में 6200mAh जबकि V30e में 5500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 14 Pro Plus में 3 कलर्स जबकि V30e में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 14 Pro Plus में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है
जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 2,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें वो 30 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 29,990 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V30 की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें ये रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 14 प्रो प्लस आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा Realme 12 Pro 5G है, तीसरा Vivo Y200 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola H50 Fusion 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।